हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं कि कैसे हम कंटूर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल अर्थ। ठीक है ना, कंटूर्स हमारे वो लाइंस होती है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जिनका एलिवेशन इक्वल होता है। बहुत से सिविल इंजीनियर्स को कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कंटूर्स की जरूरत जरूर पड़ती है। ओके, सो फॉर दैट हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज गूगल अर्थ, क्विक ग्रिड, TCX कन्वर्टर सॉफ्टवेयर एंड ऑटोकैड। हम टोटली यहाँ पे चार सॉफ्टवेयर पूरे यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज फर्स्ट गूगल अर्थ, फिर क्विक ग्रिड, TCX एंड ऑटोकैड। इन सबके मैंने लिंक यहाँ इस फाइल में दे रखे हैं, फाइल में आपके साथ शेयर कर लूंगा तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। नहीं तो मैं एक पूरी बंच, एक सेटअप की फाइल ही बना दूंगा ताकि आपको तीनों सॉफ्टवेयर के सेटअप मिल जाएंगे। और नहीं तो आप इन जब लिंक्स पे जाओगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कुछ इस तरीके से गूगल अर्थ का आपका पेज होगा। आप यहाँ पे गूगल अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक करना और यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप। छोटी सी फाइल है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। उसी तरीके से क्विक ग्रिड का जो मैंने लिंक भेजा है उस लिंक में आप यहाँ फ्री डाउनलोड करना, आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसी तरीके से TCX कन्वर्टर भी काम करेगा। ठीक है ना, इसमें आपको यहाँ नीचे आके यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। सब छोटी छोटी फाइल है। ठीक है, कुछ KBs में, ये 4 MB भी है। अर्थ वाली फाइल थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी, 10-20 MB की ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप इनको इंस्टॉल कर देना, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कर रखा है, अभी मैंने इन सबको सॉफ्ट नाम के एक फोल्डर में मेरे सारे के सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर के आइकन है वो पड़े। ठीक है, तो मैंने एक जगह पे सारे के सारे सॉफ्टवेयर रखे हैं, आप इधर उधर कहीं पे भी रख सकते हो। तो फर्स्ट जो आपका काम होगा, जो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो होगा ओपन गूगल अर्थ एंड क्रिएट पाथ, देन सेव एज अ KML फाइल। ठीक है, इसको कैसे करना है देखते हैं हम लोग। मैं मेरे गूगल अर्थ प्रो को सबसे पहले खोलूंगा। ओके, आपका सिस्टम कितना पुराना है तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसकी वजह से स्लो खुले गूगल अर्थ, क्योंकि अभी थोड़ा एडवांस हो चुका है गूगल अर्थ। अगर नहीं तो इट विल बी क्वाइट ओपनेबल। ठीक है, अब सबसे मेन बात ये होती है कि आपको कंटूर कहाँ का चाहिए। ठीक है, तो आपके पास, आप जैसे मैं इंडिया से हूँ तो ये सीधा मुझे इंडिया का बता रहा है। यू कैन गो ऑन टू हियर दैट इज सर्च, और यहाँ पे आपका कोई भी सिटी है उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी सिंपली इसको जूम करूंगा क्योंकि मैं राजस्थान के उदयपुर से हूँ, तो मैं उदयपुर के अंदर जूम करूंगा। मुझे पता है दिल्ली किधर है तो मैं उधर ही जूम कर रहा हूँ। ठीक है, आप आपका जो भी एरिया है उसको आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से एक फाइल पहले से बनी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप इधर ध्यान, इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने एक फाइल बना रखी थी जिसमें मैं उसको डिलीट कर दिया। लेट्स से एक कोई एरिया है। ठीक है, एंड जैसे ये एरिया मेरे को यहाँ का जो एरिया का मुझे कंटूर चाहिए, लेट्स से। ओके, तो अगर इसका मुझे कंटूर चाहिए तो मैं गूगल अर्थ से कैसे ले सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आता है दैट इज ऐड पाथ करके। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुलेगा, आप इस बॉक्स में इस पाथ का कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैं दे देता हूँ इसका नाम कंटूर उदयपुर, ठीक है, क्योंकि उदयपुर का एरिया है। स्टाइल एंड कलर में आप उसको कुछ भी कलर दे सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो नहीं दिखेगा कलर तो कोई ऐसा ब्राइट कलर दे दो, जैसे मैंने रेड दे दिया। ओके मत करना अभी, इसको साइड में रख देना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पाथ बनाना है। पाथ बनाना इन द सेंस हर एक क्लिक पे एक पॉइंट बनेगा और वो पिछले वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया फिर यहाँ क्लिक किया तो ये दोनों कनेक्ट है। तो आप जितने ज्यादा पॉइंट लोगे ना गैस, उतना ज्यादा आपका अच्छा कंटूर बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लेते जाओ, आपको जो भी एरिया कवर करना है और जितने पास में पॉइंट रख सको उतना। पर नो डाउट इस चीज में मेहनत होगी। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा आपको उतने ही एरिया को कवर करने के लिए, पर आप ऐसे पाथ बनाते जाओ और जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतने ज्यादा आपके पास एलिवेशन आएंगे गूगल अर्थ से, और उतना ही अच्छा आपका कंटूर बनेगा, उतना ही प्रिसाइज बनेगा, यू कैन से। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के वीडियो पोस्ट कर देता हूँ और मैं आपको पूरा करके पूरा बताऊँ। तो देखो मैंने अभी तक यहाँ इस पूरे प्लॉट पे ये पूरा का पूरा बना दिया। ठीक है ना, लास्ट जिस भी पॉइंट पे आप क्लिक कर देना, उसके बाद हमारे जो डायलॉग बॉक्स है इसको आप ओके कर देना। ठीक है ना, तो नाउ हमारा एक वहाँ पे पाथ बन चुका है और यहाँ पे सेव हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेसेस के अंदर कंटूर उदयपुर करके, आप उस पर राइट क्लिक करो और इसको सेव प्लेस एज पे क्लिक करना, और आप इसको कहीं पे सेव कर लेना। जैसे मैं डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बना रखा प्रैक्टिस का, तो उसके अंदर मैं कंटूर उदयपुर को KML फाइल में मैं सेव कर दूंगा। KML फाइल के अंदर मैं सेव कर दूंगा, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, नाउ मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ है इंपोर्ट द KML ऑन, एक यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसको क्रोम में पेस्ट करके ओपन कर लेंगे। मैंने वैसे पहले से ये फाइल, मैंने एड्रेस खोल रखा है यहाँ पे gpsvisualization.com/elevation करके। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस फाइल को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड फाइल आ रहा है, आप अपलोड पे क्लिक करो। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास फोल्डर पहले से खुला हुआ है तो कंटूर उदयपुर करके जो फोल है, जो फाइल थी KML वाली, वो यहाँ आ जाएगी। आपको सिंपली इसको ओपन करना। ओपन क्या के ध्यान रखना है, यहाँ पे आप आउटपुट में उसको GPX रखना क्योंकि हम अभी इसको दूसरे सॉफ्टवेयर में डालेंगे इसलिए, और कन्वर्ट एंड एड एलिवेशन पे आप क्लिक कर देना। एड एलिवेशन इन द सेंस एक्स वाई तो हमारे पास है गूगल अर्थ से, उसमें उस वो क्या करेगा, अर्थ से उसके सारे एलिवेशन भी ले लेगा।
इसने एलिवेशन ले लिया है, यहाँ पे लिखा है योर डाटा हैज बीन कन्वर्टेड टू जीपीएक्स, और यहाँ पे है क्लिक टू डाउनलोड, ये फाइल का नाम है, आप इस पर क्लिक करो और इस फाइल को आप डाउनलोड करो। ये फाइल डाउनलोड हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सीधा पकड़ के मेरा जो प्रैक्टिस वाला फोल्डर है वहां ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं मेरा फोल्डर खोलता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिस करके ये है, मैं फिर से मेरा क्रोम खोलूंगा और ये फाइल डाउनलोड, मैं इसको यहीं से सीधा ड्रैग करके, क्योंकि अभी डाउनलोड फोल्डर्स में पड़ी होगी, तो मैं सीधा का सीधा इसको मेरे प्रैक्टिस वाली जगह पे ले आऊंगा। ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका होता है चीजों को इधर उधर लाने का, एक ही जगह पे रखने। ठीक है, अब मैं फिर से सॉफ्टवेयर में जाऊंगा और मैं मेरा टीसीएक्स कन्वर्टर जो सॉफ्टवेयर है अब उसको खोलूंगा। अब क्रोम का काम हो चुका है, आप क्रोम को बंद कर सकते हो। क्रोम में फाइल में जाकर मैंने एग्जिट कर दिया। टीसीएक्स कन्वर्टर पे डबल बार क्लिक करेंगे, ओके, और ये कुछ सॉफ्टवेयर इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे इधर अगर आपके कोई अलग लैंग्वेज आ रही हो तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड से यहाँ से चेंज कर सकते हो इंग्लिश वगैरह, ओके। तो जैसे लेट्स से इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश कर दिया। नाउ आप यहाँ पे करो ओपन फाइल, और ओपन फाइल में वही जहाँ पे आपकी अभी फाइल आप लाए हो डाउनलोड करने के बाद, तो ये नहीं मेरी फाइल, ठीक है, तो इसका कुछ अजीब सा नाम है पर जीपीएक्स फॉर्मेट है, सपोर्ट करता है इसको, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ओपन करूंगा तो आप यह देख सकते हो हर एक पॉइंट का लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, और उसका एल्टीट्यूड भी है हमारे पास में। ठीक है, और वही चाहिए होता है एल्टीट्यूड, दैट इज एलिवेशन। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट के अंदर सेव सीएसवी ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इसको किसी नए नाम से सेव करना है। तो मैं लेट से नाम सेव कर देता हूँ कंटूर्स। ठीक है, और सीएसवी फाइल ही रखनी है, सेव करना है। अभी आपसे पूछेगा प्रेस यस टू यूज दिस एज अ सेल सेपरेटर या कॉमा चाहिए, तो हमको कॉमा चाहिए होता है सेल सेपरेटर के लिए, तो हम यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब इसका काम हो गया इस 46 कन्वर्टर का, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, हम फिर से हमारे प्रैक्टिस पे आते हैं और प्रैक्टिस पे देख सकते हो मेरी यहाँ पे ये फाइल बन चुकी है। ठीक है, ये एक एक्सेल की फाइल होती है सीएसवी फाइल, आप इसको डबल बार क्लिक करें, अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल है तो खुल जाएगी। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं छोटे मोटे, वो बताता हूं, क्योंकि सारे डाटा की जरूरत नहीं होगी हमको इसलिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एक लैटिट्यूड का कॉलम है, लॉन्गिट्यूड का कॉलम है, लॉन्ग लेके और एल्ट का कॉलम है, हमको बस ये तीन कॉलम ही चाहिए, इसके अलावा कोई कॉलम नहीं चाहिए। तो हम बाकी के सारे कॉलम को पकड़ के सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सिमिलरली दूसरे बाकी को भी पकड़ के हम सारा का सारा डिलीट कर देंगे ना। दूसरी बात, अब हमें इस हेडिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको जिस सॉफ्टवेयर में ले जाएंगे वो फॉर्मेट पहले से जानता है। ठीक है, तो हम इस ऊपर वाले रो को भी हम पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ये करनी है कि आपको इन दोनों कॉलम को स्विच करना है, इस 73 वाले कॉलम को इधर लाना है और जो 24 वाला कॉलम है उसको राइट हैंड साइड में 73 की जगह पे लाना। ठीक है, तो आप इस पे ऐसे ऊपर क्लिक करके आप इसको कट कर सकते हो कंट्रोल एक्स से, और सी के यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कट सेल कर, तो क्या हो जाएगा वो उसकी जगह पे चला जाएगा और 73 आगे स्विच हो जाएगा। आपको बस इसको कंट्रोल एस करके सेव करना है। ये पूछेगा कि आप सीएसवी में सेव कर रहे हो तो आपका कुछ डाटा लॉस हो सकता है, कोई बात नहीं, आप बोल देना कि यस मेरे को तो इसी में सेव करना है, ये सेव कर देना और इसको आप बंद कर देना। जब आप बंद करोगे तो पूछेगा कि आप उसको एक्सेल में सेव करना चाहते हो, जरूरत तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टीसीएक्स का काम भी हो गया। अब हम जाते हैं, सॉरी, अब हमारे लास्ट सॉफ्टवेयर जाते हैं, क्विक ग्रिड पर। मैं क्विक ग्रिड को खोलूंगा, क्विक ग्रिड में मैं जाऊंगा फाइल में, देन इनपुट स्कैटर डाटा पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास अभी स्कैटर डाटा पॉइंट्स ही है, फिर इनपुट मेट्रिक डाटा पॉइंट्स, मैं इन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और अब मेरी जो सीएसवी फाइल थी कंटूर्स वाली जो मैंने पिछले स्टेप में बनाई थी, मैं उसको ओपन करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सपोर्ट द जीपीएस विद द टीसीएक्स कन्वर्टर जो हमने कर लिया है, और फिर उसके बाद हमने कॉलम्स को भी डिलीट कर दिया है, कॉलम की पोजिशन को चेंज कर दिया है। अब इंपोर्ट सीएसवी इनटू ग्रिड लाना है, तो हमको यहाँ पे कंटूर को लाना है, तो कंटूर पे क्लिक करके इसको ओपन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास फाइल आ गई और कंटूर्स भी कुछ हद तक आ गए। ठीक है, अगर आप थोड़ा और कंटूर्स को प्रिसाइज करना चाहो तो आप प्रिसाइज भी कर सकते हो। आप एडिट में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कंटूर इंटरवल्स एंड लेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लेबल बोर्ड लाइन, जो बोर्ड लाइन जो लेबल है उनके बीच में 4 मीटर की डिस्टेंस, दैट इज एक 572 एक 576 है, 4 मीटर के डिस्टेंस है। आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो थोड़ा प्रिसाइज दिखाने के लिए, लेट्स से मैं 1 कर देता हूं, मैं इसको ओके कर देता हूं, तो आप देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी डिटेल्ड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से। सिमिलरली अब आउटपुट ऑप्शंस है हमारे पास कि ऑटोकैड में कैसे दिखेगी, तो एडिट में जाओ, वी आर हैंगिंग आउटपुट ऑप्शंस। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाऊंगा, आप इसमें 2-3 चीजें चेंज कर सकते हो। मैं चाहूंगा आप ये करो, दैट इज यूज पॉलीलाइंस फॉर डीएक्सएफ आउटपुट। ठीक है, तो मैं जो भी आउटपुट में डीएक्सएफ फाइल मिलेगी वो पॉलीलाइंस होगी। आप ये भी कर सकते हो नेवर लेबल डीएक्सएफ कंटूर पॉलीलाइंस, कभी भी लेबल ना करने से क्या होगा, लेबल ना करने से मतलब उन पे ये 571 और 572 जो 573 लेबल्स लिखे हुए वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, मैं अभी वो उसकी हिदायत ही दूंगा, मैं सिंपल यूज पॉलीलाइंस फॉर डीएक्सएफ करूंगा और ओके कर दूंगा। अब बस फाइल में जाओ, यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट अ डीएक्सएफ फाइल, और वही प्रैक्टिस के अंदर मैं लिख दूंगा इसको कंटूर्स, और DXF के अंदर मैं इसको
सेव कर दूंगा। अब कुछ नहीं है, आपको आपके प्रैक्टिस के फोल्डर में जाना है जहां पे आपने उस फाइल को भी सेव किया है, और आप ये रहे कंटूर्स कैड करके, आप इसको डबल क्लिक करके कैड के अंदर खोल दो। ठीक है, ये जब तक ओपन होता है मैं वीडियो पोस्ट कर लेता हूँ। ये मेरी फाइल ओपन हो गई है पर कहीं दिख नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जेड दबाना जूम के लिए, ठीक है, फिर ई दबाना एक्सटेंड्स के लिए और एंटर करना, आपकी फाइल आपके सामने आ जाएगी। ना इसके साथ में ग्रिड भी आई है, हमको ग्रिड नहीं चाहिए लेट्स, तो आप लेयर में बंद कर सकते हो, आप यहाँ पे ऊपर से लेयर्स को खोलना और इसमें एकदम डाउन में जाना, नीचे नीचे हमारे पास एक ग्रिड लेयर आ रही होगी, आप इसका क्या करना, थोड़ा बल्ब को बंद कर देना, ठीक है, आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है, आपसे मिले बाहर आ जाओ, ये आपकी ग्रिड है। अब आपको जिसको भी, सॉरी, आपका कंटूर बन गया, तो आपको ये कंटूर जिसको भी देना आप दे सकते हो। हर एक लाइन, जैसे ये बाहर वाली लाइन है, ये 571 मीटर के आरएल पे है, आप ऐसा कह सकते हो, इसके पास वाली 572 पे है, उसके आगे वाली 573 पे है, फिर 575 एंड 577, मतलब कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, जो वेरिएशन है अभी वो थोड़े दूर दूर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया थोड़ा ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब आप उस हिसाब से कंटूर का पता लगा सकते हो कि हाँ, जो एलिवेशन चेंज है वो थोड़ा दूर है। ठीक है ना, इट इज काइंड ऑफ एन नॉट एन स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट रीजन। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ स्लोप बहुत चेंज हो रहा है और लाइन बहुत पास पास में, 578, 577, 576, 575, तो बहुत पास पास में चीजें चेंज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई बड़ा स्लोप है, या कोई थोड़ा सा पहाड़ होगा या पठार होगा, समथिंग लाइक ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सो गाइस, ये इतना सिंपल तरीका है आप कैसे कंटूर्स बना सकते हो गूगल अर्थ को यूज करके सिंपल तरीके से। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आपको इंटरनेट चाहिए होगा, क्योंकि उसके बिना ना कोई, उसके बिना कोई चीज होने वाली नहीं है, तो अपडेट नहीं होगी चीजें, तो गूगल अर्थ को भी चलाते वक्त इंटरनेट चाहिए, वो जब साइट खोल के आप एलिवेशन ऐड करोगे तब भी आपको इंटरनेट चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं आपको अभी ये सारी फाइलें जो है, इनके सबके सेटअप्स जो होंगे वो मैं नीचे शेयर कर दूंगा, और ये जो वर्ड की फाइल है वो भी शेयर कर लूंगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझसे पूछना, और मैं बहुत मेहनत से ये चैनल बना रहा हूँ, इसमें मैंने इतने सारे सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल डाले हैं मैंने, तो प्लीज जो भी सिविल के स्टूडेंट्स हो या कुछ एक मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने सॉफ्टवेयर्स डाले हैं, तो अगर आप लोग प्लीज देख रहे हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले और चीजें बनाने। ओके गाइस, चल, थैंक यू, बाय बाय।